हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूं और आशा करती हूं आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है उसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे होंगे। चलिए आज की रीडिंग देखते हैं। आज की रीडिंग पिक अ कार्ड रीडिंग है और ये करंट फीलिंग बताएगी आपके पर्सन की। आपको क्या करना है, नीचे दिए गए तीन नंबर है 1, 2, 3, इनमें से एक नंबर को चूज करना है। ईश्वर का नाम लीजिए और एक नंबर चूज कर लीजिए। जो भी नंबर आप चूज करोगे वही नंबर की जो रीडिंग होगी वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी बताएगी। मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है तो कुछ बातें आपके साथ रिजोनेट कर सकती है, कुछ बातें रिजोनेट नहीं कर सकती। तो जो बातें रिजोनेट करती हैं उन्हें आप एक्सेप्ट कीजिए और जो नहीं करती आप एक्सेप्ट मत कीजिए। चलिए आज की रीडिंग देखते हैं। नंबर चूज कर लीजिए। नंबर वन, देखिए बुरा लगता है जब कोई एक पल में बदल जाए, चीजें हसीन से अचानक से खराब होने लगे, पर सच यही है कि वो बदल गए हैं। उनका आपके जीवन में इतना सा रोल था जो वो प्ले कर चुके हैं। वो सोचते हैं जो हुआ उसके बारे में, पर फील कुछ नहीं करते। आप और वो तो प्लेयर्स हो, जज तो ईश्वर करेंगे। आप अब उनके लिए नहीं रुक सकते, आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप अकेले नहीं हो जिनके साथ किसी ने धोखा किया है। इनफैक्ट आपके पर्सन ने ही पता नहीं कितनों का दिल दुखाया है, पर कब, क्या और क्यों के बदले आपको खुद पे ध्यान देना होगा। उनका वेट छोड़ दीजिए और अपने भीतर नई एनर्जी की जगह बनाइए। किसी को हर्ट करके कौन कितने दिन खुश रह सकता है, किसी को आंसू देकर कहां कभी सक्सेस मिली है किसी को। वो आज आपको हर्ट करके भले ही मूव ऑन हो गए, पर जो कर्मा किया है उन्होंने वो रिटर्न कर्मा बनते ही हैं। उनके जीवन में आपके आंसुओं का असर जरूर होगा। वो अभी सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें अपने करियर से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं लग रहा। उन्हें लग रहा है पैसों से वो कुछ भी पा सकते हैं, पर ये उनकी भूल है जिसके लिए आगे उन्हें रिग्रेट भी करना पड़ सकता है। तो ये थी नंबर वन आपकी रीडिंग। चलिए नंबर टू आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके बिना आपके पर्सन अधूरे और बेजान से हो चुके हैं। वो आपका वेट करते हैं, वो रोज़ आपकी यादों में रोते हैं। उनको आपसे मिलना, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना बेहद पसंद है। उनका टाइम ही आपके तस्वीरों को देखते रहने में गुजरता है। वो खुश हैं कि उन्हें आपसे प्यार हुआ है, पर कहीं ना कहीं उन्हें आपको खोने का डर है। वो आपसे अपनी फ्रेंडशिप नहीं तोड़ना चाहते। आपसे उनकी पल भर वाली बात भी सुकून देने वाली होती है। जब आपसे उनके दोस्त भी बात करते हैं तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। थोड़े से पजेसिव नेचर के और आप पे भी अपनी मनमाने चलाते हैं। अजीब सा प्यार है इनका, दूर दूर भी रहते हैं और आपको दूर जाने भी नहीं देते। थोड़े से मेंटली स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कोई बात बैठी हुई है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में फाइट्स भी होती है। लव भी है, नाराज़गी भी है और थोड़ी ज़िद भी। मन मर्जी चलती है इनके घर पे इनके, इसीलिए इन्हें झुकना नहीं पसंद, हारना भी नहीं पसंद। नंबर थ्री अब आपकी रीडिंग देखते हैं। वो आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड हैं और उसको वो प्यार कहते हैं। आपकी स्माइल, आपकी क्यूटनेस देखकर उनका मन बस में नहीं रह पाता। वो आपको टच करने के मौके ढूंढते हैं। शायद आप उनका पहला प्यार हो या फिर आदत। अगर अब तक आप दोनों फिजिकली अटैच नहीं हुए हो तो शायद कुछ दिनों बाद हो जाओ। स्ट्रांगली अट्रैक्शन
रहा है। वो आपको लेकर प्राउड भी फील करते हैं, पर ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि अगर अट्रैक्ट होकर कोई आपके पास आए हैं तो अट्रैक्शन की उम्र भी कम होती है। जब मन भर जाता है हम चीजें बदल लेते हैं, क्योंकि मन फिर किसी और की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अगर आप इस रिश्ते में सीरियसली रहना चाहते हैं तो आपको सेकंड थॉट देना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता कमिटमेंट टाइप नहीं है। ये रिश्ता उम्र की गलतियां साबित हो सकती है। आप एंजॉय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर संभल कर, क्योंकि इमोशनली हर्ट होना भी पड़ सकता है। रिश्ता नाजुक है, आप वेट भी कर सकते हो, शायद परफेक्ट मैच के लिए टाइम है अभी। थैंक यू सो मच।